ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि इंडेक्स आपका परफॉर्म किधर की साइड भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा ऑप्शन चेन की मदद से। कल हम लोगों ने ये चीज़ देखा था 400 से लेकर 600 के बीच की हमारी नो ट्रेडिंग जोन था, ये भी हम लोगों ने देखा था। बैंक निफ्टी की बात करें तो 650 पे अपना एक ह्यूज रेजिस्टेंस था, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने सुबह मेंशन भी किया हुआ था, फ्री वाले पे भी किया था कि कहाँ पे आपका 660 जो जोन है वो आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। अब मार्केट में अगर आप देखोगे, पहला हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड चला था, ठीक है, फिन निफ्टी में, ठीक। उसके बाद अपना यहाँ पे समवेयर अराउंड हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि आज यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, टारगेट हिट करो फुल क्वांटिटी में, ऐसे लो तो हाफ क्वांटिटी में, है ना। 650 के आसपास हम लोगों ने बाय किया था, 605 के आसपास यहाँ पे निकल गए थे, बिकॉज यहाँ पे जब इसने बार बार रेजिस्टेंस दे रहा था ना, तो यहाँ पे 650 क्रॉस कर गया था इस कैंडल पे, तो हम लेकिन इसी कैंडल पे ही निकल गए थे क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट का सीन ना दिखे। ठीक, अब कल क्या होगा वो देखने वाली बात है, उसको देखते हैं। देखो तीन केसेस होंगे, बहुत सिंपल सा है, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। ये जोन एक्यूमुलेशन जोन है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपल हम लोग प्राइस सेक्शन में सीखते हैं क्या, कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये जोन आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन का जोन बन जाएगा, गैप अप खुलेगा तो ये जोन आपका एक्यूमुलेशन का जोन बन जाएगा। ठीक है, गैप अप खुला, अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, वेल एंड गुड है, ट्रेड मिलेगा, यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले। गैप डाउन खुला, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, सेल करे। 400 से 640 से लेके 650 फिर नो ट्रेडिंग जोन कर देना, इसको कोई ट्रेड नहीं करना है। ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका हाई है 45,950, मेरे हिसाब से चार्ट पे रेंज जो आ रही है वो यही आ रही है, और नीचे आपकी 44,650। अगर थोड़ा सा ऊपर खुल जाइए, 150-60 पॉइंट भी ऊपर खुल जाए, तो ये आपकी एक रेंज दिख जाएगी आपको, फिर इसी रेंज में मार्केट में एक्सपायर होने के चांसेस हैं एज पर चार्ट। ठीक, अब अगर हम लोग इसको देखते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो एक आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसने ऐसा करा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे आपका ये एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको अगेन ब्रेकआउट मिलेगा तो अपने को बाय मिल जाएगा, कहाँ पे 680-700 का जोन काटेगी, फिर से बाइंग साइड मिल जाएगा। इसके नीचे अगर जाएगी, शुरू करेगी 500 के नीचे, तो अपने को शॉर्टिंग का ट्रेंड मिल जाएगा, सिंपल। ठीक, 480 के नीचे करना, 500 के नीचे मत करना, बिकॉज 500 एक सपोर्ट का काम करता है। कोई डिफिकल्ट एनालिसिस है ही नहीं, कुछ इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी का हम लोगों ने कल क्या देखा था, सेम चीज़। देखो डेली ना हर चीज़ सीखने को मिलता है, वही सेम कल सेम चीज़ थी। ये अपना रेजिस्टेंस था 840 का एरिया, हम लोगों ने कल ये देखा था कि एक बार में ये 840 नहीं तोड़ेगी, करेक्ट, ये चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी। यहाँ पे आपका 840 फर्स्ट टाइम आएगा तो नहीं टूटेगा, और आपका नीचे आ गया। यहाँ के नीचे हम लोगों ने कहा था कि इसके नीचे अपने को शॉर्ट मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने शॉर्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही थी। ठीक, तो अपने ने शॉर्ट नहीं किया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट सिनेरियो दिख गया। तो कौन सा आपका ब्रेकआउट है, 19,800। तो पहला चीज चार्ट मुझे ये दिख रहा है कि 800 से ऊपर ही एक्सपायरी होनी चाहिए, एक चीज दिख रही है। ठीक, ऊपर कितना जाएगी, पहला टारगेट के ऑलमोस्ट आपका ये यहीं पे ही है। अब इसने रेजिस्टेंस 840 की कई बार ले ली है, तो क्या होगा, अब ये आपका देख रहे हो, यहाँ पे आया फिर नीचे, यहाँ पे आया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे आया, हर बार में एक चीज क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो फर्क देखो, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 840 ये एरिया, ठीक, फर्स्ट टाइम हिट किया, उसके जब नीचे आया, उसके बाद जब दोबारा गया, तो जब लोअर जो कनेक्ट करो, लोअर जो हो रहा है वो शिफ्ट होके ऊपर आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आपका यहाँ पे समवेयर यहाँ से फिर इसने लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करा है, दैट मीन्स जो लोज हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, और आपका एक रेजिस्टेंस काटेगा 840 काटेगा, फिर से अपने को ट्रेड मिल जाएगा। कहाँ तक मिलेगा वो चलेंगे ऑप्शन चेन में, बिकॉज इसमें आपके लेवल्स नहीं है चार्ट पे। कहाँ के नीचे मार्केट बेरिश होगी, पहला साइन आपका बेरिश का आएगा, तो ऊपर पे दो जगह होती है सेलिंग, है ना, कहाँ पे, ऊपर के लेवल पे, जैसे आपका यहाँ के लेवल पे सेलिंग होती है, कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो क्यों रेजिस्टेंस पे, या फिर आपकी सेलिंग कहाँ होती है, ब्रेकडाउन पे। ब्रेकडाउन के लेवल्स कौन से हैं आपके, पहला साइन मिलेगा जब आपका 760 के नीचे मार्केट जाएगा, क्यों, बिकॉज मार्केट में आपने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर आपका प्राइस एक्शन नेगेटिव होगा। अगर ये वन गो में जाता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसा यहाँ पे मैं वन गो में जाता था, मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, ये वन गो में जाएगा नहीं इंटरेस्टेड होगा, अगर ये इस तरीके से जाएगा तब इंटरेस्टेड होगा। ठीक, तो ये निफ्टी का हो गया, कोई डिफिकल्ट एनालिसिस है ही नहीं, तो जबरदस्ती अननेसेसरी क्यों उसको वो करें। नीचे की रेंज 800 आ रही है, उसमें नीचे की रेंज 500 है, ऊपर की रेंज अपने को निकालनी है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ये आ गई अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 19,800 पे
मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं 1 करोड़, और मैक्सिमम पुट्स भी आपकी आई हैं, यानी 19,800 हमारे चार्ट पे भी ठीक है और इसमें भी ठीक है। यहाँ के नीचे की यानी 780 के आसपास आपकी एक पॉजिटिव एक्शन पे बाई, यानी बाइंग की जगह कहाँ मिल गई मुझे, दो जगह होती हैं, एक ब्रेकआउट पे होती है और एक आपका कहाँ होती है, सपोर्ट पे प्लस पॉजिटिव एक्शन। तो वो सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन क्या आ गया, ये ब्रेकआउट लेवल क्या आया था, 840 के ऊपर। ठीक, अगर गैप अप खुलेगी तो सपोर्ट पे आने का वेट करूंगा, 840 का और 800 के लेवल पर आपके सपोर्ट के काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स हैं, ठीक, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 19,900, यानी कि अभी मोटा मोटा एक्सपायरी जो मुझे दिख रही है वो 800 से लेकर 925 के बीच की दिख रही है, ऊपर का लेवल यानी 925 के आसपास आएगा, तो फिर रिविजिट करेंगे कुछ कहाँ पे सेल करते हैं हम लोग। सेल के दो ऑप्शन कहाँ पे होते हैं, दो जगह कहाँ होती है सेल, एक होता है आपका ब्रेक डाउन पे, ब्रेक डाउन का लेवल 760 आ रहा है, और कहाँ पे होती है, हायर रेंज पे यानी कि रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, ये वाली लेवल। ठीक, सिंपल। देन हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप एडवाइजरी में देख रहे होगे, आज बजाज फाइनेंस का ट्रेड था, पीएनबी का ट्रेड था, वो सारे जितने भी ट्रेड चले, ठीक है, रिलायंस में ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, इसके अलावा टीसीएस का ट्रेड था उसमें भी चला, ठीक, बैंक निफ्टी का भी ट्रेड चला, फिन निफ्टी का भी ट्रेड चला। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि आपने पोजिशन साइजिंग, जो भी लोग एडवाइजरी वाले देख रहे हो, वो मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज फ्लैश किया था और अभी भी फिर से वही चीज़ रिपीट करूंगा, जस्ट बिकॉज की सारी कॉल्स हिट जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप पोजिशन साइजिंग बना लो। पोजिशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, ऐप में आपको जो वीडियो पड़ी हुई है वो वीडियो आप देख लेना, वो देख के ही आप पोजिशन साइजिंग करना, जस्ट बिकॉज की नहीं सारी हिट जा रही तो आज भर लेता हूँ मैं कॉल, आज भर लेता हूँ मैं पूरे, ऐसा करके गलती नहीं करना। उसका रीजन क्या है, हमारा मोटिव क्या है, कंसिस्टेंटली पैसा कमाना। आज ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा कमा लिया, कल हो गलत तरीके से पैसा कमा लिया तो आगे जाके वो चला जाता है पैसा, क्यों, क्योंकि बिकॉज आपने क्वांटिटी साइजिंग का गलत चीज़ करी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑल्दो इससे मेरा एडवाइजरी के बिजनेस का ही नुकसान है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, डू नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एडवाइजरी। ठीक है, इवेंचुअली आप अपने मन में क्या सोचो कि मुझे किस तरीके से यहाँ से इसका हेल्प की तरह लेना है, एनालिसिस और ट्रेड मुझे अपने ही तरीके से करने हैं, आगे चल के 3 महीने 6 महीने बाद मुझे खत्म करना है, एडवाइजरी को कंटिन्यू ही नहीं करना है, मुझे अपने ही ट्रेड से खुद का ट्रेडर बनना है, करेक्ट, वो पर्पज होता है। अगर आप जॉब में करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग फिर एडवाइजरी फुल वो डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग का करियर के बारे में सोच रहे हो तो एडवाइजरी को जस्ट अ हेल्प की तरह लो, ना कि डिपेंडेंट की तरह। ठीक, इस पे आते हैं वापस से, बैंक निफ्टी पे क्या है, बैंक निफ्टी में आपका 45,500 पे आपके मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं, आज एड भी आपकी यहीं पे हुई है, तो आपकी नीचे की रेंज ठीक आ रही है, इस रेंज के बाहर और नीचे की तरफ बाहर ऊपर की तरफ बाहर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी, ठीक है, अपर लोअर रेंज, नहीं तो आपका मोटा मोटा जो दिख रहा है वो आपका रेंज में ही दिख रहा है। 46,000 आपकी ऊपर की रेंज दिख रही है, लेकिन 22 रुपीज का है, कोई ऑप्शन कोई खास वो नहीं है, 45,700, 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख और यहाँ पर 20 लाख, ये ठीक, तो डेटा भी आपका थोड़ा सा बुलिश है, कल क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है गैप अप खुलने की। ठीक, तो ये अपने पूरी तरीके से एनालिसिस हो गए, फिन निफ्टी का भी लेवल्स बता देता हूँ, जो लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी के अंदर आपका 78,135, 79 पुट राइटर्स अच्छी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि आपके नीचे की तरफ आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये आपको दिखा रहा है डेटा। ठीक, ऊपर आपके कॉल राइटर्स नहीं, 20,400 आपका जो है लेवल है, फिर क्रॉस करेगी तो फिर आपको ऊपर के साइड का ट्रेड मिलेगा, बिकॉज ये कॉल राइटर्स आपके फिर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।